नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में, जो एक नया आईपीओ कंपनी ला रही है वो है यूटीआई म्यूचुअल फंड। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि यूटीआई म्यूचुअल फंड का जो आईपीओ आ रहा है कितना साइज का है, यूटीआई म्यूचुअल फंड कितनी बड़ी कंपनी है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो यूटीआई एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, गेट्स सेबी नोट फॉर आईपीओ टू रेज 3000 करोड़। तो ये जो है सेबी का, जो सेबी रेगुलेटरी बॉडी है हमारे स्टॉक मार्केट का, उससे अप्रूवल प्राप्त कर चुका है 3000 करोड़ रेज करेगा आईपीओ के थ्रू। यूटीआई एएमसी तीसरी म्यूचुअल फंड कंपनी है एचडीएफसी और नेम इंडिया के बाद जो कि आईपीओ ला रही है। और ये यूटीआई एएमसी इंडिया की 7th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। साथ ही साथ जो इसके एग्जिटिंग शेयर होल्डर है SBI, LIC, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इतना करोड़ शेयर सेल करेगा, 3.90 करोड़ शेयर सेल करेगा, और जिससे 3500 करोड़ रुपया रेज होगा। साथ ही साथ इसके जो अन्य एक शेयर होल्डर है US बेस्ड टीरो, ये भी अपना आप सेल करेगा शेयर। ये सभी शेयर होल्डर कितना परसेंटेज शेयर सेल करेगा तो वो बता दें कि 1.05 करोड़ जो SBI है, LIC है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे शेयर सेल करेंगे इतना इतना करोड़। साथ ही PNB और टीरो जो है 38 लाख शेयर सेल करेंगे थ्रू OFS। और जो PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, LIC, SBI है, इस चारों का 8.5% स्टेक है, और जो रेस्ट बच गया, जो बाकी बच गया, वो US बेस्ड टीरो का स्टेक है। इस तरह से 74% जो स्टेक है वो है SBI, LIC, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा का, चारों का इक्वल है 18.5% स्टेक, और जो उधर रेस्ट बच गया 26% वो है US बेस्ड टीरो का। जो यूटीआई एएमसी है वो ड्राफ्ट फाइल किया था दिसंबर में ही अपने आईपीओ के लाने के लिए, और अभी आप देख सकते हैं कि जून महीना आ चुका है और इसका ड्राफ्ट अप्रूवल हो चुका है। जो यूटीआई एएमसी है उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो इम्तियाजुर रहमान है। तो इम्तियाजुर रहमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यूटीआई एएमसी का, तो इसी के देख रेख में जो है ये आईपीओ आएगा। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लार्जेस्ट आईपीओ आने वाला है। तो ये आईपीओ समझ सकते हैं कितना का है, 3000 करोड़ का है, तो बहुत बड़ा आईपीओ है। और जो ये कंपनी है 7th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है यूटीआई एएमसी, उसकी आईपीओ है, और इसका जो रेंज रहने वाला है वो 800 से 900 रुपये के आसपास रहने वाला है जो आईपीओ का प्राइस होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, ये इन्फॉर्मेशन देना था आपको कि जो आईपीओ आने वाला है, अगर इस आईपीओ को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको पहले से इस कंपनी के बारे में सारे रिसर्च कर लेने हैं, इसके फंडामेंटल, इसके मैनेजमेंट और इसके आगे के जो बिजनेस है उसका क्या एम है, क्या गोल है, सारी चीज़ को आपको डिटेल में सर्च कर लेनी है आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। अगर आप यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विकिपीडिया पे भी आके पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया पे इसके सारे इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री सारे दिए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं फॉर्मली यूटीआई ट्रस्ट ऑफ इंडिया नेम था, टाइप पब्लिक कंपनी है, इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड है, फाउंडेड यूटीआई ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963। उसके बाद हेडक्वार्टर्स देखते हैं, मुंबई महाराष्ट्र एरिया, इंडिया, जापान, सिंगापुर, लंदन, दुबई, बहरीन, तो ये एक MNC कंपनी है। उसके बाद की पीपल यहाँ पर देखते हैं, इम्तियाजुर रहमान डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। प्रोडक्ट इनका क्या है, म्यूचुअल फंड है, नेशनल पेंशन स्कीम है, प्राइवेट इक्विटी है, और जो हमारा देख सकते हैं प्राइवेट डेप्ट है, ये सारे इनके हैं। उसके बाद सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, म्यूचुअल फंड, NPS, तो ये सारे हैं। ऑनर LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI, टीरो, ये सारे ऑनर हैं इनके, जो कि आपको हमने बताया कि 18.5% स्टेक जो इस चारों का है और टीरो का 26%।
नंबर ऑफ इम्प्लाइज देख सकते हैं कितना काम कर रहा है 1365, और इनके जो सब्सिडरी है सारे ये सब्सिडरी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ज़्यादा जानना है कंपनी के बारे में तो आप इनके वेबसाइट पर जा करके डिटेल में हर चीज़ के बारे में, कंपनी का आगे क्या गोल है, क्या बिजनेस है, पूरी डिटेल में आप जान सकते हैं। जो इनके मैनेजमेंट है उसका क्या हिस्ट्री रिकॉर्ड है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस का क्या रिकॉर्ड है, तो सारा जा करके आप रिसर्च कर लें, फिर जा करके आप IPO में अप्लाई करेंगे। तो जैसे IPO अप्लाई चालू होता है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।